तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें मेटलर्जी से जो मेटल मिला होता है, मतलब जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया होता है, उसको हम और रिफाइन करते हैं और प्योर बनाते हैं। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बेस्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब एक सॉल्यूशन होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और डीसी करंट से कनेक्ट करते हैं। मतलब डीसी करंट बोले तो किससे कनेक्ट करोगे, बैटरी से, ठीक है। तो इसको ले जाके हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, इसको ले जाके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है, ठीक है, जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया है पर अभी इतना प्योर नहीं है, जैसे मान लो कॉपर है, हमने कॉपर को मेटलर्जी से ऑप्टेन किया पर हमें कॉपर का तार बनाना है, तो हमने जो कॉपर ऑप्टेन किया वो इतना प्योर नहीं था कि उससे हम वायर बनाए। वायर बनाने के लिए हमको एकदम प्योर कॉपर चाहिए, अगर उसमें इंप्योरिटी होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान कराएगा। तो उस इंप्योर मेटल को हमें हमेशा लगाना होता है एनोड पे, और कैथोड पे क्या करेंगे, कैथोड पे आप उसी का प्योर मेटल लगा देंगे, ठीक है। एक पतली सी स्ट्रिप लगा देते हैं, थिन स्ट्रिप, ठीक है। तो जैसे ये कैथोड है, तो कैथोड पे हम क्या करेंगे, एक पतली सी स्ट्रिप लगा देंगे। किसकी पतली सी स्ट्रिप लगा देंगे, ऑफ प्योर मेटल। और एनोड पे मोटी सी हमने इलेक्ट्रोड लगा के रखा है, मोटा सा रॉड लगा के रखा है ऑफ इम्प्योर मेटल। तो बच्चों याद ये रखना है कि जो प्योर मेटल है वो कैथोड पे लगाना है। प्योर मेटल कहां पे लगाना है, कैथोड पे लगाना है, और इम्प्योर कहां लगाना है, एनोड पे। फिर बात आती है ये चीज, ये सॉल्यूशन जो है, ये जिसमें सॉल्यूशन पड़ा है, तो बच्चों इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये जो सॉल्यूशन इस टैंक में है, तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, दिस शुड बी अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल, जिस मेटल का यहां पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन यहां पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, होता यह है कि एनोड से इम्प्योर मेटल टूट टूट कर बाहर आता है और वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता है। यहां से एनोड से इम्प्योर मेटल बाहर आएगा और कैथोड पे डिपॉजिट होगा, एनोड से इम्प्योर बाहर आएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। जो इम्प्योरिटीज होंगी इसके अंदर एनोड के रॉड में, क्योंकि एनोड इम्प्योर है, तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो दो तरह की होंगी, एक होगी सॉल्युबल, एक होगी इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल होगी वो सॉल्यूशन में मिल जाएगी, और जो इनसॉल्युबल होगी वो नीचे आके यहां पे ऐसे कलेक्ट हो जाएगी एनोड के, ठीक है। तो एनोड से प्योर मेटल निकल के बाहर आएगा सॉल्यूशन में, यहां से कहां चला जाएगा, कैथोड पे। तो प्योर मेटल किस पे डिपॉजिट होता जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। फिर एनोड में जो इंप्योरिटीज होंगी दो तरह की, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल, सॉल्युबल सॉल्यूशन में घुल जाएगी, इनसॉल्युबल नीचे आके ऐसे बैठ जाएगी, उसको हम बोलते हैं एनोड मड, कि एनोड की मिट्टी है, दिस इज एनोड मड। दीज आर दी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, इन सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो सॉल्यूशन में घुल नहीं पाई, और कुछ इंप्योरिटीज सॉल्यूशन में घुल जाएंगी, और प्योर मेटल एनोड से कहां चला जाएगा, कैथोड पे। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है, किसकी, कॉपर की। तो हम आपसे पूछें एनोड पे क्या लगाओगे, तो आप बोलोगे एनोड पे क्या लगाइए, इम्प्योर कॉपर रॉड। कैथोड पे क्या लगाएंगे, कैथोड पे लगाएंगे थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कॉपर हो, तो हम ले लेंगे कॉपर सल्फेट प्लस डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 क्यों डाला,
ताकि वो जाके इसके आयंस को और ज्यादा फर्निश करे। डाइल्यूट H2SO4 अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें आयंस हो, आयंस होना जरूरी है तभी करंट कंडक्ट होगा। तो डाइल्यूट H2SO4 डालने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब क्या क्या होगा रिएक्शन, तो पहले चलो देखो एनोड पे क्या होगा। तो एनोड किससे बना हुआ है, इम्प्योर कॉपर से। एनोड से कॉपर निकल के बाहर आएगा, सो कॉपर विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ Cu2+ और +2 इलेक्ट्रॉन। यहां से बाहर निकला, क्या बाहर निकला, कॉपर का आयन Cu2+, और Cu से Cu2+ बना तो दो इलेक्ट्रॉन बचे, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे। क्यों रह गए, क्योंकि देखो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसको अपनी तरफ खींच लिया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे। हमने बोला ना ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं, बैटरी से। यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे नेगेटिव। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहां रुक गए, ये पॉजिटिव से होते 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 यहां गए और यहां पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये Cu2+ इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ये Cu2+ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, मतलब अब हम पहुंचे कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या हुआ, ये Cu2+ जो कि कहां पहुंच चुका है, सॉल्यूशन में। तो Cu2+ जो कि कहां पहुंच चुका है, सॉल्यूशन में, ये अट्रैक्ट हो जाएगा कैथोड से। कैसे अट्रैक्ट होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये इसको मिल जाएंगे, प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, Cu, और ये डिपॉजिट हो गया कहां पे, कैथोड पे। ठीक है, फिर से देखिए क्या हुआ कि यहां से कॉपर बाहर निकला, एनोड से कॉपर, ये कहां से निकला, फ्रॉम रॉड, है ना, फ्रॉम इम्प्योर रॉड, बाहर आया Cu2+ किसमें आ गया, सॉल्यूशन में। और दो इलेक्ट्रॉन कहां पे रह गए, एनोड पे। ये दो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव पे पहुंचे यहां पे, फिर ये Cu2+ सॉल्यूशन वाला अट्रैक्ट हो गया कैथोड से, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन किया, उस पे चिपक के कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह से एनोड से कॉपर निकलता जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा, इंप्योरिटीज जो घुलने वाली होंगी वो घुल जाएंगी, और जो नहीं घुलेंगी वो एनोड मड बन जाएंगी। ये प्रिंसिपल था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। थैंक यू।